मॉर्निंग एवरीवन, आज के लेक्चर में अपन नया सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सरफेस टेंशन। सबको स्क्रीन दिख रहा है अभी? यस सर। अपना देखो, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के तीन सब टॉपिक्स है। जैसे अपने पहले देखा था, इलास्टिसिटी वाला पार्ट हो गया अपना, और सरफेस टेंशन विस्कोसिटी, ये दो सब टॉपिक्स बाकी। तो सरफेस टेंशन में भी एक दो हफ्ते जाएंगे, थोड़ा सा बड़ा है ये भी। ठीक है, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। सरफेस टेंशन का इंट्रोडक्शन देखो, एग्जैक्टली ये होता क्या है और ये फ्लूइड्स के अंदर ऑब्जर्व किया जाता है। ये वाला जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स के सरफेस फ्लूइड्स का, जो भी सरफेस होता है ना, इट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन मतलब इमेजिन करो कि एक बेडशीट है तुम्हारे पास, एक चादर जैसा कुछ ले लो, और उसके चारों कोनों को अगर तुम पकड़ के खींचोगे तो बेडशीट के अंदर भी एक टेंशन आ जाएगा ना। उस पर अगर तुम कुछ भी रखोगे तो वो गिरेगा नहीं नीचे, बेडशीट उसको होल्ड करके रखेगा। तो एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि वो बेडशीट भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होगा और अंडर टेंशन होगा, और फ्लूइड का सरफेस भी ऐसा ही होता है, वो भी एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह होता है और इट्स अंडर अ स्टेट ऑफ टेंशन। ओके, फ्लूइड्स में सबसे एबंडेंट फ्लूइड कौन सा ऑब्जर्व किया जाता है? पानी, वाटर। तो वाटर का जो सरफेस टेंशन होता है वो मोस्ट ऑफ द लिक्विड से ज्यादा होता है। ओके, तुमने देखा होगा बारिश के टाइम पे स्पेशली बहुत सारे इंसेक्ट्स भी पानी के ऊपर घूम सकते हैं, उस पर चल भी सकते हैं इनफैक्ट, राइट? इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोस, दे कैन वॉक ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये कैसे पॉसिबल है? अगेन बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, राइट? इसके और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जैसे इंकजेट प्रिंटिंग, डिजाइन ऑफ ऑटोमोबाइल विंडशील्ड्स, और बहुत सारे मेडिकल डिवाइस जैसे सिरिंजेस जो होते, कैपिलरीज होते, और जो रूट्स होते, रूट्स में से भी पानी ऊपर लीव्स तक राइज कर पा रहा है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये सरफेस टेंशन के ही एग्जांपल्स। एग्जैक्टली ये कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में अपन पढ़ने वाले, ये सब टॉपिक। ओके, एक और चीज तुमने ऑब्जर्व करी होगी, किसी नीडल को, नीडल जो है वो स्टील से बना होता है, राइट? बट नीडल को भी अगर तुम पानी के अंदर, पानी के सरफेस पे एकदम स्लाइटली रख दो तो सरफेस पे वो फ्लोट कर जाता है। एक्चुअली वो बोयंसी फोर्स की वजह से तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नीडल का डेंसिटी तो पानी से ज्यादा है। पानी का डेंसिटी अगर 1 है तो नीडल का डेंसिटी 8 टाइम्स है। तो फ्लोट करने का रीजन कुछ और होता है, एंड दैट्स द रीजन ऑफ सरफेस टेंशन। जैसे किसी स्ट्रेच्ड बेडशीट पे भी अगर कोई तुम ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसको बैलेंस कर देगा, तो वैसे ही पानी का सरफेस भी एक स्मॉल नीडल को बैलेंस कर सकता है इसी लॉजिक से। ओके, सबको एक फील आ रही है सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है, सरफेस पे कैसे वो ऑपरेट करेगा? यस सर। ओके, देखो सरफेस पे वो एग्जैक्टली कैसे ऑपरेट करेगा उसके बारे में देख लेते। तुम्हें इसमें से कुछ नोट करने की जरूरत नहीं, ये एक ऐसी बेसिक इंट्रोडक्शन है। सरफेस टेंशन का विजुअलाइजेशन देखो, अगर मान लो ये पानी का सरफेस है, ये पानी का सरफेस है, और इस सरफेस को अपन बोल रहे कि स्टेट ऑफ टेंशन में। किसी भी स्ट्रिंग में अगर टेंशन फोर्स होता है, अगर मान लो स्ट्रिंग के दोनों साइड को मैं एफ फोर्स से पुल कर रहा हूं, तो ये स्ट्रिंग के अंदर भी एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। और टेंशन फोर्स पिक्चर में कब आएगा? जब मैं स्ट्रिंग को किसी भी पॉइंट पे हाइपोथेटिकली कट करूं, अगर पॉइंट पी पे मैं स्ट्रिंग को हाइपोथेटिकली कट करूं और इसके दो पार्ट्स का एफवीडी बना, तो इसके लेफ्ट वाले पार्ट पे राइट वाला पार्ट इस तरफ टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, और राइट वाले पार्ट पे लेफ्ट वाला पार्ट इस तरफ टेंशन फोर्स लगा रहा होगा, राइट? दोनों पार्ट एक दूसरे को खींच रहे। वैसे ही किसी लिक्विड का जो सरफेस होगा उसको अगर मैं हाइपोथेटिकली कट करूं लाइन ए बी के अलोंग, लाइन ए बी इज अ हाइपोथेटिकल लाइन जिसके अलोंग मैं इस सरफेस को कट कर रहा हूं, तो इस सरफेस के भी जो दोनों पार्ट है वो एक दूसरे पे टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे इस तरीके से। ये वाला जो फोर्स है वो लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाले पार्ट पे लगा रहा होगा, और ये वाला जो फोर्स है वो राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट पे लगा रहा होगा। दोनों में सिमिलैरिटी देख पा रहे हो सब लोग? सो ये एग्जांपल देखो, थिंक ऑफ अ वेरी लार्ज बेडशीट हेल्ड एट मेनी पॉइंट्स अलोंग इट्स पेरिफेरी बाय मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स। तो उस केस में बेडशीट भी अपन को अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश करेगा, बेडशीट के अंदर भी एक टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा। सेम चीज लिक्विड के सरफेस के साथ हो रही,
और ऐसे बेडशीट पे अगर तुम एक हैवी बॉल भी रख दो तो जहां पे भी तुम बॉल रखोगे वहां पे एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाएगा, थोड़ा सा वो नीचे चला जाएगा, बट जो टेंशन फोर्स है वो बॉल के वेट को बैलेंस कर लेगा सब सब साइड से, राइट? लिक्विड सर्फेस इज समवॉट सिमिलर. इफ यू इमेजिन अ लाइन ऑन द शीट डिवाइडिंग इन टू पार्ट्स, ईच पार्ट विल पुल द अदर पार्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. जैसे यहाँ पे मैंने दिखा है, ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे को पुल कर रहे होंगे एफ फोर्स से. कंसिडर अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ एल ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड. द टू पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, वन ऑन द राइट एंड वन ऑन द लेफ्ट, पुल वन अनदर विद अ फोर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी एंड टेंजेंशियल टू द सर्फेस. अच्छा देखो, ये फोर्स का जो डायरेक्शन है, मान लो मैं सर्फेस का अगर ये टॉप व्यू देखो, ये लिक्विड का एक सर्फेस है, बाल्टी के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और उसको अपन टॉप से देख रहे हैं. इसके अंदर लिक्विड का सर्फेस हमें ऐसे दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करूँ, लाइन ए बी, तो लिक्विड के जो दोनों पार्ट्स है वो एक दूसरे पे टेंशन फोर्स लगा रहे होंगे. जैसे अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट का एफवीडी बनाऊँ, मुझे बताओ लेफ्ट वाले पार्ट पे राइट वाला पार्ट किस तरह फोर्स लगा रहा होगा? डायरेक्शन बता सकते हो? राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट को अपने तरफ पुल करेगा एंड फोर्स का जो डायरेक्शन है वो लाइन के परपेंडिकुलर होगा. जो भी तुमने इमेजिनरी लाइन बनाया है ना, लाइन ए बी, उसके परपेंडिकुलर होगा. और कौन से प्लेन में लाई करेगा? ये जो सरफेस का प्लेन है इसी प्लेन में लाई करेगा फोर्स. दिस इज द फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन. डायरेक्शन समझ में आया सबको? एनी डाउट्स? इसको लिख लो, कुछ डाउट है तो बताओ. सर आप स्पेसिफाई करोगे क्या लिखना है? यहाँ पे बस ये एक सरफेस ड्रॉ कर लो, है ना, और इसको ए बी के अलॉन्ग कट करते हुए दिखा दो. हाइपोथेटिकली कट कर रहे, और इसके लेफ्ट पार्ट का एफवीडी बनाओ और ये फोर्स को मार्क कर दो. दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन. ओके, और उसका डायरेक्शन स्पेसिफाई कर दो. फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ए बी एंड टेंजेंशियल टू द सर्फेस. ये स्टेटमेंट लिख दो. ऊपर के सारे एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं, वो खाली तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसको बाद में तुम खाली एक बार वापस पढ़ लेना. जो टेक्निकल और इम्पोर्टेंट चीज है अपन खाली वही नोट डाउन करेंगे. ओके, हमको ड्रॉ करने का ना. हेलो सर. हाँ बताओ. सर ये एग्जांपल्स लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये सर्कल ड्रॉ करने का है ना? यस, सर्कल ड्रॉ करके लेफ्ट वाले पार्ट पे फोर्स दिखा दो. ओके. हो गया लिख के? सर 1 मिनट. देखो अभी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा. सरफेस टेंशन को अपन फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफाइन करते हैं. सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड का प्रॉपर्टी होता है. सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी है विच इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड सरफेस. ओके, तो क्या ये सरफेस के ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा? नहीं, कि लिक्विड के मटेरियल पे डिपेंड करेगा. कौन से टाइप की लिक्विड की अपन बात कर रहे हैं, और सरफेस टेंशन को अपन एस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं. सो
सो दिस सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ. पिछले एग्जांपल में अगर मैं लाइन ए बी का लेंथ एल मान लू और लाइन ए बी पे अगर फोर्स एफ लग रहा तो सरफेस टेंशन को अपन एफ अपॉन एल डिफाइन कर सकते. तो सरफेस टेंशन का यूनिट्स क्या होगा? न्यूटन पर मीटर. ये लाइन ए बी का यहाँ पे लेंथ भी स्पेसिफाई कर दो एल. ओके, और कुछ जो कॉमन लिक्विड्स है जैसे वाटर, सोप सॉल्यूशन, ग्लिसरीन, मर्क्यूरी, इन सब के सरफेस टेंशन स्पेसिफाई किए. इनमें से मर्क्यूरी का सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंड नंबर पे वाटर है ना. नॉर्मल लिक्विड्स में हमेशा वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होगा, मगर मर्क्यूरी जो कि एक मेटल है उसका सरफेस टेंशन पानी से भी ज्यादा है. इनफैक्ट पानी से काफी काफी टाइम ज्यादा है. सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लार्जर देन मोस्ट ऑफ द कॉमन लिक्विड्स, बट इट इज लेस देन द सरफेस टेंशन ऑफ मेटेलिक लिक्विड्स लाइक मर्क्यूरी. ओके, तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, सरफेस टेंशन का फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो इस फॉर्मूला से अपन फोर्स के बारे में भी कमेंट कर सकते. अगर मुझे किसी लिक्विड का सरफेस टेंशन गिवन हो तो किसी भी एल लेंथ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ हो जाएगा. समझ में आया सबको ये? यस. देखो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं अपन. डायरेक्शन के लिए अपन ये दो चीजें अपन ने नोट करी थी, राइट? डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस. इसके ये स्टेटमेंट्स देखो, व्हेन अ सॉलिड बाउंड्री कम्स इनटू कॉन्टेक्ट विद अ लिक्विड सर्फिस, द लिक्विड सर्फिस पुल्स इट टेंजेंशियली जस्ट लाइक द स्ट्रेच्ड बेडशीट पुल्स ऑल योर फ्रेंड्स टूवर्ड्स इटसेल्फ. देखो अगर कोई भी स्ट्रिंग टेंशन में होगा, मान लो ये स्ट्रिंग टॉट है, तो इसके कॉन्टेक्ट में जो भी आएगा जैसे कि ब्लॉक, तो अपन ब्लॉक पे भी स्ट्रिंग के वजह से ऐसे फोर्स ड्रॉ करते थे ना. स्ट्रिंग जो है वो ब्लॉक पे इस तरीके से फोर्स लगाता था. वैसे ही अगर लिक्विड का सर्फेस भी अगर किसी से कॉन्टेक्ट में आएगा, मान लो लिक्विड का सर्फेस वेसल से कॉन्टेक्ट में आ रहा, ये वेसल का पेरिफ्री, तो वेसल पे भी वो अपने तरफ टेंशन फोर्स लगाएगा इनवर्स टूवर्ड्स इट्स सरफेस. सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग द सरफेस एंड नॉर्मल टू द लाइन. जिस भी लाइन पे मैं फोर्स बना रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर. और ये फोर्स की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? सरफेस टेंशन की वजह से जो भी फोर्स आएगा उसकी वैल्यू अपन
लिक्विड के सरफेस टेंशन को उसके लेंथ से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जिस भी लेंथ पे अपन फोर्स निकाल रहे सिंपली उस लेंथ को सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें फोर्स मिल जाएगा, है ना। व्हेन अ लिक्विड सरफेस इज कर्व्ड, कुछ डाउट है पहले स्टेटमेंट में बताओ। सर ये सरफेस वाला नहीं समझ रहे। कौन सा नहीं समझ रहा? परपेंडिकुलर। सर ये जो आपने सरफेस के परपेंडिकुलर बनाया नहीं समझ। देख बेसिकली जो भी लाइन होगा अगर मैं ये वाला लाइन छोटा सा एक लाइन ले लूं डीएल लेंथ का, तो अपन ने फोर्स के बारे में क्या कमेंट किया था? फोर्स हमेशा किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लगेगा ना। डायरेक्शन कैसा होगा? अलोंग द सरफेस होगा और लाइन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे जो लाइन्स है वो सर्क्यूलर है एंड सर्क्यूलर लाइन्स के परपेंडिकुलर मतलब रेडियली इनवर्स हो जाएगा ना, समझा अभी? अभी भी डाउट है क्या बताओ सर? अपन देखो थोड़े और एग्जांपल्स लिखेंगे इससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। अगर कर्व्ड लिक्विड सरफेस हुआ तो क्या करेंगे? जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो भी कर्व्ड हो जाएगा। बट सरफेस टेंशन के बारे में एक चीज का ध्यान रखना, सरफेस टेंशन हमेशा सरफेस के अलोंग होगा, मतलब टेंजेंशियल टू द सरफेस। अभी अगर एक तुम वाटर ड्रॉप को इमेजिन करते हो, कंसिडर अ वाटर ड्रॉप एंड इमेजिन इट्स इक्वेटर, द इक्वेटर डिवाइड्स द एंटायर स्फीयर इन टू हाफ्स। पानी के इस ड्रॉप को देखो और इस ड्रॉप को भी अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इस ड्रॉप के लिए सरफेस क्या होगा? इस ड्रॉप के लिए ये पूरा सरफेस है ना, मैं जो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये सारे पॉइंट्स किस पे लाई कर रहे? ड्रॉप के सरफेस पे। मतलब एक बेसिकली ये जो स्पीयर होगा, स्पीयर के सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट सरफेस पे लाई कर रहे। तो इसके वजह से जो फोर्स होगा, अगर मान लो हाइपोथेटिकली मैं स्पीयर को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं अलोंग दिस इक्वेटर, तो मुझे दो हेमिस्फीयर्स मिलेंगे, एक ऊपर वाला हेमिस्फीयर और एक नीचे वाला हेमिस्फीयर। यस और नो? इतना विजुलाइज कर पा रहे हो? दो हेमिस्फीयर्स कैसे मिले? और इन हेमिस्फीयर्स में अभी जो मैं ब्लू कलर से पॉइंट्स बना रहा हूं, ये सारे पॉइंट्स को तुम सरफेस पे मानोगे या सरफेस के अंदर मानोगे? ये सारे पॉइंट सरफेस पे ही है ना? यस सर। सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है वो हमेशा कहां पे लगेगा? हमेशा सरफेस के ऊपर ही लगेगा, कोई भी रैंडम पॉइंट पे नहीं लगेगा। यस सर। तो ये सारे पॉइंट्स जो है जो मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, दिस आर सरफेस पॉइंट्स। और सरफेस पॉइंट्स पे इस स्फीयर के दोनों पार्ट्स, दोनों हेमिस्फीयर्स एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। एंड फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा? टेंसाइल नेचर का होगा। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर वाले पार्ट को अपने तरफ खींच रहा होगा सरफेस के इन सारे पॉइंट्स पे, है ना। और ऊपर वाला जो पार्ट है वो नीचे वाले पार्ट को अपने तरफ खींच रहा होगा इन सारे पॉइंट्स पे। और ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सरफेस टेंशन को किस लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे? यहाँ पे मुझे बताओ फोर्स कौन से लेंथ के अलोंग लग रहा है? ये सारे पॉइंट्स कौन से लेंथ? सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का लेंथ 2πr। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स आएगा वो s into 2πr आएगा, जो दोनों हेमिस्फेरिकल पार्ट्स एक दूसरे पे लगा रहे होंगे। नेचर कैसा होगा? पुलिंग फोर्स, एक दूसरे को खींच रहे होंगे। समझ आया अभी ये सब कुछ? हाँ बताओ क्या डाउट है सर? वो टेंसाइल नेचर के कैसे होंगे? वो तो उसका प्रॉपर्टी है, टेंसाइल नेचर का होना उसका प्रॉपर्टी है। उसमें अपन आर्ग्यू नहीं कर सकते ना कि टेंसाइल क्यों है और कंप्रेसिव क्यों नहीं, ये तो एक ऑब्जर्व फैक्ट है ना नेचर का। सर जो आपने सरफेस बनाया तो फिर जो डायग्राम बनाया ना ऊपर, कौन सा डायग्राम? सर वो राइट में बनाया ना ये वाला? यस सर। उस टाइप में क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है, यहाँ पे जो सरफेस है ये है ना सरफेस, दिस इज सरफेस, इसको अपन सरफेस डिफाइन कर रहे हैं। क्या यहाँ पे मैं इसको सरफेस डिफाइन कर सकता हूँ? जो मैंने अभी सर्कल हैच किया वो सरफेस नहीं होगा ना, वो तो इंटरनल पॉइंट्स होंगे। तो अपन ने क्या डिस्कस किया था? सरफेस टेंशन के जो फोर्स है वो हमेशा सरफेस के पैरेलल लगने चाहिए ना। सरफेस के पैरेलल मतलब इसी तरफ लगेंगे, ये सरफेस के अलोंग होगा। इमेजिन कर पा रहे 3D में जो स्पीयर है उसको अगर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, दो हेमिस्फीयर्स में, तो ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर है उसके सरफेस के जो पैरेलल फोर्स होगा वो ये होगा ना, और ना कि ये होगा जैसे मैंने ऊपर बनाया। दोनों के सरफेस अलग अलग,
ऊपर वाले में ये स्पीयर नहीं है, ये मैंने ऐसे एक रैंडम सर्कल बनाया, इट्स अ डिफरेंट एग्जाम्पल। मतलब किसी बाल्टी में अगर तुम पानी भरोगे और उसको ऊपर से देखोगे तो उसका ये सरफेस तुम्हें दिखाई देगा, तो ये वैसा डायग्राम है। इसको ऐसे मिक्स मत करो, दोनों अलग एग्जाम्पल्स। इसको मैं एग्जाम्पल वन नाम दे देता और इसको एग्जाम्पल टू, और एग्जाम्पल टू का यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन किया। हम लोगों को कैसे मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना, वो तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में दिया रहेगा सिचुएशन। इसमें हम लोग ने बाहर का सरफेस क्यों कंसीडर किया सर? कौन से केस में? एग्जाम्पल टू में स्पीयर का सरफेस बाहर का ही होता है ना। सरफेस मतलब जो एटमोसफियर से एक्सपोज हो। अगर किसी बाल्टी में पानी भरेगा, इफ देर इज वॉटर इन द कंटेनर, तो उसका कौन सा सरफेस एटमोसफियर से एक्सपोज होगा? उसके टॉप पे जो सरफेस बन रहा होगा वो ना, और टॉप से वो मुझे सर्कुलर शेप का दिखाई देगा, उसके लिए ये सरफेस है। लेकिन हेमिस्फीयर के लिए जो सरफेस है, हेमिस्फीयर के लिए तो ये सरफेस होगा ना, ये सारे सरफेस वाले पॉइंट्स। तो हेमिस्फीयर के लिए सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है, अगर पैरेलल टू द सरफेस लगना है तो ऐसी डायरेक्शन में लगेगा। पैरेलल टू द सरफेस भी होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन भी होना चाहिए। मैंने जिस भी लाइन किया ना उसको कट किया उसके परपेंडिकुलर, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही। ओके लिख लो इसको। ये लिखे हो गया मेरे सर? सर वेट। ओके देखो, अभी सरफेस टेंशन के और कुछ एग्जांपल्स देखते। हमने ये बात तो सीख ली कि किसी भी लिक्विड के सरफेस के पास सरफेस टेंशन का ये प्रॉपर्टी होगा, राइट? और इसको अपन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ भी कर सकते, एक्सपेरिमेंटली हम लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते।
ये वाला एग्जांपल देखो, अगर मान लो एक सोप फिल्म है, सोप फिल्म का मतलब समझते हो, सोप से एक फिल्म अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, एक थिन लेयर, सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा, बबल जैसा जो दिखाई देता है सोप के मटेरियल से। सोप के वो लिक्विड सॉल्यूशंस भी आते थे बचपन में, उसे खेलते थे अपन, सर्कुलर फ्रेम डिप करके बाहर निकल के उस पर फूक मारते थे तो एक बबल्स निकलते थे सोप के, यस और नो? सर यस सर यस सर। वैसे ही एक यस सर, फूक मारने से पहले उस सर्कल में एक फिल्म फॉर्म हो जाता था, राइट? जब तुमने उसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाला उस सर्कुलर रिंग को, तो वहां पे सोप का एक फिल्म फॉर्म हो जाता था, तो उसी फिल्म की अपन बात कर रहे। तो मान लो यहाँ पे उस फिल्म को सर्कुलर के बजाय मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर कैद करके रखा हुआ है, दिस इज द फिल्म, सोप फिल्म है ना, और इस फिल्म के ऊपर मैंने एक थ्रेड इंसर्ट कर दिया, इसके ऊपर एक थ्रेड प्लेस कर दिया बेसिकली इस फिल्म के ऊपर, और थ्रेड का जो शेप है वो तुम्हें रैंडम दिखाई दे रहा है, कोई पर्टिकुलर शेप का नहीं है, राइट? एक थ्रेड को मैंने इस तरीके से प्लेस कर दिया। अब इस थ्रेड का अगर मैं कोई भी एक सेक्शन ऑब्जर्व करूं, मान लो इस थ्रेड का एक छोटा सा डीएल एलिमेंट ले लो, ये छोटे से एलिमेंट को ऑब्जर्व करो जो मैं ग्रीन कलर में बना रहा हूं, तो इस एलिमेंट पे सोप का जो फिल्म है, सोप का जो फिल्म है वो इस एलिमेंट के ऊपर भी और नीचे भी है, यस और नो? मैंने ये जो एलिमेंट यहाँ पे कंसिडर किया, ये साइड पे भी सोप का फिल्म है और ये साइड पे भी सोप का फिल्म है, और दोनों सोप के फिल्म इस एलिमेंट पे कैसे फोर्स लगाएंगे? टेंसाइल फोर्स। मतलब जो ऊपर वाला सोप का फिल्म है वो इस एलिमेंट को अपने तरफ ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, और नीचे वाला जो सोप का फिल्म है वो इस एलिमेंट को अपने तरफ नीचे खींचने की कोशिश करेगा, दोनों में वॉर जैसा हो जाएगा। बट इस वॉर में क्या होगा, कौन जीतेगा, ऊपर वाला नीचे वाला या ड्रॉ हो जाएगा? ड्रॉ हो जाएगा, टाई हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों सेम फोर्स ही खींच रहे। अगर इसका लेंथ मैं डीएल मानू, मुझे पता है कि सरफेस टेंशन पे जो फोर्स है वो तो लेंथ पे डिपेंड करता है, तो दोनों सेम फोर्स ही खींच रहे, तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगा। तो क्या ऐसे केस में खाली थ्रेड को सोप के सोप फिल्म के ऊपर प्लेस करने पर उसके शेप में कोई भी चेंज आएगा, या जिस तरीके से तुमने प्लेस किया वो वैसा ही रह जाएगा उस पे? क्या लगता है, जैसा रखा है वैसा ही रह जाएगा? सो व्हेन द सोप सॉल्यूशन इज एवरीवेयर, अगर सोप सॉल्यूशन सब जगह है, तो उस केस में थ्रेड का जो भी तुम सेगमेंट लोगे उस पे नेट फोर्स जीरो होगा, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स इक्वल है, सोप फिल्म दोनों तरफ से इसको पुल कर रहे होंगे अपने डायरेक्शन में, राइट? ये बात हमें समझ में आई। अभी देखो नेक्स्ट पार्ट क्या होगा एक्सपेरिमेंट का, ये स्टेटमेंट को पढ़ भी लेते साथ साथ में। टेक अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ फायर एंड डिप इट इन अ सोप सॉल्यूशन। व्हेन यू टेक आउट द फ्रेम फ्रॉम द सॉल्यूशन, अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन बाउंडेड बाय द वायर फ्रेम इज फॉर्म्ड। ये सबने एक्सपीरियंस किया। नाउ टेक अ लूप ऑफ लाइट कॉटन थ्रेड, एक बहुत ही छोटा सा धागा ले लो, उसका लूप बना के उसको वेट करके इस फिल्म के ऊपर जेंटली प्लेस कर दो, तो तुम जैसे भी उसको प्लेस करोगे वो उसी शेप में रह जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप इज नाउ प्रिक द होल इन द फिल्म इनसाइड द लूप। मतलब बेसिकली इस लूप के अंदर वाला जो फिल्म है, ये वाला, इसको प्रिक कर दो किसी निडल से, तो इसको प्रिक करने पर अंदर वाला पार्ट बर्स्ट हो जाएगा, अंदर वाला जो फिल्म है वो गायब हो जाएगा, राइट? और अगर अंदर वाला फिल्म गायब हो गया इसको प्रिक करने के लिए, तो कौन सा फोर्स गायब होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन सा फोर्स गायब हो जाएगा? ऊपर वाला फोर्स गायब हो जाएगा ना, अभी ऊपर फिल्म ही नहीं है, मैंने इसको प्रिक कर दिया, तो इस सारे एलिमेंट्स पे खाली बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, राइट? अंदर वाले फोर्स हमने प्रिक करके गायब कर दी। ये पार्ट समझ में आया सबको? यस सर। और मुझे बताओ ये जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहे, ये थ्रेड को किस शेप में कर देगा? फाइनली थ्रेड किस शेप में हो जाएगा? सारे फोर्स ऐसे आउट ऑफ द डायरेक्शन में लग रहे, आउट डायरेक्शन, तो सर्कुलर डायरेक्शन, सर्कुलर शेप हो जाएगा ना इसका फाइनली। किसी चीज पे अगर तुम सब बाहर की तरफ फोर्स लगा रहे, तो फाइनली इट्स एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व फैक्ट, इसका शेप जो है वो सर्क्युलर हो जाएगा। ये तुम खुद से भी ट्राई करके देख सकते। After the inner film is busted, the thread takes the shape of a circular loop. Circular shape का वो बन जाएगा। इसका reason क्या है? अंदर वाले force गायब हो गए और खाली बाहर वाले ये सारे force बच गए, है ना? तो बाहर वाले force इसको अपने तरफ बाहर खींचेंगे और इस force की वजह से उसका final shape circular बन जाएगा। समझ में आया ये experiment सब?
ये चीज इस चीज को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस चीज को प्रूव कर रहा है कि कोई भी सरफेस टेंसाइल फोर्स लगाएगा किसी भी चीज को, राइट सर? यस सुचल बताओ। सर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ बताओ। हाँ सर, वो डायरेक्शन नहीं समझा मुझे कि ऊपर कैसे नीचे। देख यहाँ पे मुझे बताओ कि सरफेस के वजह से जो फोर्स लग रहा है उसका नेचर कैसा होगा, पुश करने वाला या पुल करने वाला, पुशिंग या पुलिंग? टेंशन फोर्स कैसे लगाता है, फोर्स चीजों को अपनी तरफ खींचता है या अपने से दूर धकेलता है? अपने तरफ खींचेगा ना टेंशन का जो जो भी फोर्स होगा। ये बात समझ में आ रही? तो इनिशियली जब सोप फिल्म ऊपर भी था और नीचे भी था, जब मैंने प्रिक नहीं किया था, ये थ्रेड है मान ले, सोप फिल्म यहाँ पे भी प्रेजेंट है ना और नीचे भी प्रेजेंट है, दोनों तरफ सोप का फिल्म प्रेजेंट है। तो इनिशियली जब मैं किसी भी एलिमेंट को ऑब्जर्व करूंगा, इस एलिमेंट पे सोप फिल्म अंदर से भी अपने तरफ फोर्स लगा रहा होगा और बाहर भी फिल्म है तो वो भी अपने तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दोनों फिल्म इस एलिमेंट को अपने तरफ खींचेंगे ना। और अपने तरफ किस डायरेक्शन में खींचेंगे? नॉर्मल टू द लेंथ, ये भी हमने सीखा था। अलोंग द सरफेस, सरफेस तो यही है, इसी स्क्रीन का प्लेन, सो अलोंग द सरफेस एंड नॉर्मल टू द लेंथ, इस तरीके से दोनों फिल्म अपने तरफ खींचेंगे। ये वाला जो एरो है वो कौन सी फिल्म के लिए, अंदर वाले या बाहर वाले के लिए? अंदर वाले। अंदर वाला फिल्म इस एरो के अकॉर्डिंग खींच रहा है और बाहर वाला इस एरो के अकॉर्डिंग खींच रहा है। तो जैसे ही मैं अंदर वाली फिल्म को प्रिक करूंगा तो अंदर वाला फिल्म गायब हो गया और इसके गायब होते ही ये वाला फोर्स भी गायब हो गया, तो खाली बाहर की तरफ फोर्स लगना शुरू हो गया ना। अभी सब जगह से बाहर ऐसा ही सेम चीज सब जगह हो रहा होगा, सब जगह इस थ्रेड पे बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा एंड बाहर की तरफ फोर्स लगने की वजह से फाइनली इसका शेप क्या हो जाएगा, फाइनली ये ऐसे सर्कुलर शेप का हो जाएगा। समझ रहा है? नहीं समझा। ब्रेक का मतलब क्या है? ब्रेक का मतलब यार उसको बस्ट कर दिया, एक नीडल से उसको बस्ट कर दिया या अपनी उंगलियों से उसको तुमने फोड़ दिया, समझा? अभी तो बर्स्ट करने पर अंदर वाला फिल्म गायब हो जाएगा ना, जैसे तुम बबल्स को बर्स्ट करते थे उसको पकड़ के, तो वैसे ही मैंने खाली अंदर वाले फिल्म को केयरफुली बर्स्ट किया, पूरे को बर्स्ट नहीं किया, खाली अंदर वाले, बाहर वाला एज इट इज रह जाएगा, समझा अभी? सर सर बाहर वाले फिल्म को प्रिक किया तो क्या होगा? तो फिर खाली अंदर वाला फिल्म बचेगा और अंदर वाला फिल्म उसको अपने तरफ खींच लेगा ना, तो कौन सा शेप बनेगा सर? तो फिर कोई शेप नहीं बनेगा, रैंडम सा ही शेप रहेगा, क्योंकि उस केस में स्लैक हो जाएगा ना, ये अंदर की तरफ रहेगा तो अंदर की तरफ जाएगा तो ये जो थ्रेड है वो क्या टेंसाइल टेंशन फोर्स ले पाएगा? अगर मान ले इस थ्रेड को तू खुद ही इमेजिन कर कि एक रैंडम सा लूप है थ्रेड का और तू उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगा रहे, तो क्या कोई डेफिनेट शेप बनेगा? ये थ्रेड तो ऐसे स्लैक हो जाएगा ना, लूज हो जाएगा बहुत ही, और भी ज्यादा लूज हो जाएगा, तो बहुत ही रैंडम शेप बन जाएगा अंदर और छोटा होके, है ना? तो वहां पे अपन को इतनी क्लैरिटी नहीं आएगी, लेकिन बाहर वाले को अगर तू प्रिक करता है, सॉरी अंदर वाले को अगर तू प्रिक करता है, तो बाहर की तरफ जो ये फोर्सेस है ये थ्रेड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और बढ़ते बढ़ते वो फाइनली एक सर्कल बन जाएगा ना। सर्कल बनने के बाद क्या वो और ज्यादा बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, राइट? नो। इसका रीजन क्या है? फॉर अ गिवन पेरीमीटर, थ्रेड का पेरीमीटर तो चेंज नहीं होगा, पेरीमीटर और लेंथ तो उसका फिक्स्ड है ना। फॉर अ गिवन पेरीमीटर विच शेप हैज द मैक्सिमम एरिया फॉर अ गिवन पेरीमीटर? सर्कल। गिवन पेरीमीटर के लिए सर्कल का जो एरिया है वो सबसे ज्यादा होगा, तो इसका मतलब इसने अपना मैक्सिमम एरिया एक्वायर कर लिया ना बाहर की तरफ फोर्स लगने की वजह से। ये जो बाहर की तरफ फोर्स है वो उसके एरिया को ही तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे, और एरिया मैक्सिमम कब तक बढ़ पाएगा? जब तक वो सर्कल शेप ना बन जाए। यस और नो? समझा अभी? यस सर। सर हाँ बताओ। सर अगर बाहर का प्रिक किया तो फिर वो तो हवा में हो जाएगा ना, मतलब कुछ होल्ड नहीं कर पाएगा क्योंकि बाहर के। हाँ लेकिन ये जो थ्रेड है वो उसको एक सपोर्ट दे देगा ना, जैसे यहाँ पे एक वायर उसको सपोर्ट दे रहा था वैसे उसको एक थ्रेड सपोर्ट दे देगा। अगर वायर फिक्स था, थ्रेड फिक्स नहीं, तो वो इतना ज्यादा स्टेबल नहीं रहेगा। सही बोल रहे हो, बाहर का प्रिक करने पर खाली अंदर वाला जो फिल्म है वो इतना स्टेबल नहीं रहेगा, वो भी शायद अपने आप से ही थोड़े टाइम के बाद बस्ट हो जाएगा। यस ओके।
तो देखो इसी चीज को आगे और एक्सप्लेन किया हुआ है। इनिशियली देयर वर लिक्विड सर्फेसेस ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द थ्रेड। अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ द थ्रेड वाज पुल्ड बाय द फोर्स ऑफ सर्फेस टेंशन फ्रॉम इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड, दोनों तरफ से, एंड दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम था। तो इसीलिए इनिशियली सारे सेगमेंट्स पे जीरो फोर्स लग रहे थे और वो अपने ओरिजिनल पोजिशन पे ही रह पा रहा था। लेकिन जैसे ही इनर फिल्म को बस्ट किया, एज द इनर फिल्म इज गॉन, एवरी सेगमेंट ऑफ द थ्रेड इज पुल्ड फ्रॉम आउटसाइड ओनली। ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म पुलिंग बाई द लिक्विड फ्रॉम द सर्फेस फ्रॉम ऑल द साइड्स, द थ्रेड एक्वायर्स सर्क्यूलर शेप, राइट। अभी देखो सोप फिल्म जो होते हैं ना, उसकी एक स्पेशलिटी होती है, इसको अभी से समझ लो, ये आगे पूरे चैप्टर में अपन यूज करने वाले। सोप का जो फिल्म होता है ना, उसके कितने सर्फेस होते हैं, सोप की फिल्म की एक स्पेशलिटी होती है। जैसे अगर तुम एक बबल को ऑब्जर्व करोगे, सोप सोल्यूशन से जो तुम बबल्स बनाते हो, बबल्स की स्पेशलिटी क्या होती, क्या ये बबल सॉलिड बबल होता है, क्या इस पूरे बबल के अंदर सोप का मटेरियल रहता है, या सोप का एक खाली थिन लेयर होता है? सर अंदर से थिन लेयर, सर थिन लेयर होता है ना। तुम खुद ही इमेजिन करो, सोप सॉल्यूशन की जो एक छोटी सी डब्बी आती थी, याद है, ग्रे कलर की एक छोटी डब्बी आती थी सोप सॉल्यूशन की, यस सर। इस डब्बी में तुम ऐसे एक रिंग को डिप करते थे और डिप करके बहुत सारे बबल्स तुम बना के उड़ाते थे। सॉल्यूशन तो इतना सही, बट इससे तुम इतने सारे बबल्स उड़ा पा रहे थे। इसका रीजन क्या है, ये बबल के अंदर, पूरे के अंदर ये सॉल्यूशन नहीं भरा हुआ, मटेरियल नहीं भरा हुआ, इट वाज ओनली अ थिन लेयर। तो अगर मैं तुम्हें इसको विजुलाइज करवाने की कोशिश करूं, लेट अस अज्यूम दैट ये जो सोप फिल्म है उसका कलर मैं ब्लू मान रहा हूँ, ब्लू कलर का सोप लिक्विड है, सोप सॉल्यूशन है, और इससे जब मैंने स्फीयर बना के उड़ाया, तो ये जो मटेरियल है सोप का, उसका खाली एक थिन लेयर फॉर्म होगा इस तरीके से, वो खाली इतने पार्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा, राइट। अंदर क्या है, अंदर क्या होगा, एयर होगा अंदर, और बाहर क्या है, बाहर भी एयर है। सरफेस का डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का जो सरफेस है उसका डेफिनेशन क्या होता है, वो एयर से एक्सपोज होना चाहिए, यस और नो। बाल्टी के अंदर yes, पानी भरा तो उसका जो टॉप मोस्ट सरफेस है वो एयर से एक्सपोज होगा। तो मुझे बताओ इस बबल के कितने सरफेस होंगे, दो सरफेस होंगे ना, सरफेस वन एंड सरफेस टू। तो दिस इज सोप बबल, लेकिन अगर सोप बबल को अगर मैं पानी के ड्रॉप से डिफरेंशिएट करूं, सोप बबल के बजाय अगर मान लो मैं वाटर ड्रॉप कंसिडर करता इधर, तो वाटर ड्रॉप की क्या स्पेशलिटी होती है, उसके अंदर पूरे के अंदर पानी होता है या खाली लेयर होता है उसमें भी? वाटर मटीरियल, राइट। तो दिस इज वाटर ड्रॉप, वाटर ड्रॉप और सोप बबल में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। वाटर ड्रॉप में कितना सरफेस होगा, ये पूरा पानी और भारी एयर, तो खाली एक सिंगल सरफेस होगा ना, वन सरफेस। वेयर एज सोप बबल्स में दो सरफेस होंगे। ये फर्क समझ में आ रहा है सबको, विजुलाइज कर पा रहे हो? तो सोप फिल्म की ये स्पेशलिटी होती है, उसमें एक लेयर होता है, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर। तो वैसे यहाँ पे जो सोप फिल्म फॉर्म हुआ होगा, सोप फिल्म में भी ऐसे ही दो सरफेस होंगे, इमेजिन कर पा रहे? यस सर। हमने सरफेस टेंशन के वजह से जो फोर्स लिखा था, फोर्स इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एल, दिस वाज ओनली फॉर अ सिंगल सरफेस, एक सरफेस इतना फोर्स लगा रहा होगा। तो अगर अपन सोप फिल्म की बात करें, और सोप फिल्म में अगर मैं ये एलिमेंट की बात करूं, ये जो एलिमेंट मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, इस एलिमेंट का अगर मैं लेंथ डी एल ले लूं, तो दोनों सर्फेस मिलके इस पे टू टाइम्स डी एल इंटू एस फोर्स लगाएंगे। एल डी एल इंटू एस, ये फोर्स तो खाली एक सिंगल सरफेस की वजह से होगा। तो सोप फिल्म के जो दोनों सर्फेसिस है, दोनों सर्फेसिस मिला के उस पे टू टाइम्स डी एल इंटू एस ये फोर्स लगाएंगे। ये बात समझ में आ रही सर? यस बताओ सर। वो दोनों अपोजिट होंगे ना, तो फिर नेट फोर्स कैसे आएगी? नहीं अंदर वाला तो पिक कर दिया ना, अंदर वाला तो मैंने पिक कर दिया, तो खाली फिल्म तो खाली भारी रहेगा सर। फिल्म नहीं मतलब ये बबल सरफेस, नहीं बबल यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बबल जैसा शेप थोड़ी है, यहाँ पे तो फिल्म बन रहा है ना। फिल्म को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो ये फिल्म हमें ऐसे दिखाई देगा, मतलब अगर तुम इसको साइड से देखते हो तो ये सोप का मटेरियल है,
बीच में वापस एयर और नीचे एक और सोप का लेयर बने, ऐसे दो लेयर्स बन रहे होंगे, है ना? तो दो सरफेस है ना ये दोनों सरफेस चीजों को अपनी तरफ खींचेंगे। अगर मान ले इससे मैं कुछ थ्रेड को कांटेक्ट में ला दूं, तो थ्रेड का जो भी लेंथ होगा, लेंथ इनटू एस, ये फोर्स तो खाली एक ही सरफेस लगा रहा होगा, तो दोनों सरफेस मिलके 2 टाइम्स लगाएंगे। दोनों सरफेस जो फोर्स लगा रहे होंगे उसका डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा ना, इमेजिन कर पा रहे ये चीज? नो सर, नहीं। देखिए एक सेकंड, मैं देखो एक विजुअलाइजेशन देता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सर आपने डायग्राम ड्रॉ किया है वो किसका है? वो ये तो बबल का है, यहाँ पे मुझे बताओ सोप फिल्म बबल के शेप में है कि एक प्लेन सरफेस के शेप में? हमारे डायग्राम ये वाले डायग्राम, प्लेन यहाँ पे बबल थोड़ी है, मैंने बबल का खाली एक एग्जांपल दिया था। तो प्लेन सरफेस के शेप में जब सोप फिल्म रहेगा उस केस में कैसे वो ऑपरेट करेगा मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे ये सिचुएशन है ना, ये थ्रेड है रैंडम शेप का और ये सोप फिल्म, राइट? तो बेसिकली ये जो सोप फिल्म होगा ना, सोप का जो फिल्म बन रहा है उसका ज्योमेट्री कैसा होगा उसको समझने की कोशिश कर। ऐसे इमेजिन कर कि प्लाईवुड, समझता है प्लाईवुड, लकड़े का जो रहता है, तो यस ऐसे इमेजिन कर कि तूने दो प्लाईवुड लिया और दोनों के बीच में हवा भर दिया और हवा भरते हुए दोनों को प्लेस कर दिया। इमेजिन कर पा रहे 3D में? यस मतलब बेसिकली ये जो सोप का फिल्म तुझे दिखाई दे रहा है, इट्स एक्चुअली अ टू लेयर्ड फिल्म, इट्स लाइक टू प्लाईवुड्स, टू लेयर्ड फिल्म विथ एयर इन बिटवीन, इसका ऐसा ज्योमेट्री होता सर, मतलब विजुअलाइज वहां पर ऐसा क्यों होता है? ज्योमेट्री बबल है। ये के तो यार शेप। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल चीज है ना, ये नेचर ऐसे बिहेव करता है, इसका कोई रीजन नहीं, वो उसका मटेरियल का ही ऐसा प्रॉपर्टी। सोप फिल्म का मटेरियल जो होता है वो ऐसी, उसको ही अपन सोप फिल्म बोलते हैं ना। सोप फिल्म का मतलब ही वो होता है कि वो एक उसके अंदर एयर भरा हुआ है बीच में। तुमने ये चीज ऑब्जर्व करी होगी ना अपने बाथरूम में भी, जो सोप होता है उससे अगर तुम उसको उसे झाग बना दो और अपने हाथ के उंगलियों के बीच में तुम एक ऐसे फिल्म जैसा बना सकते हो, अगर अपने हाथ की उंगलियों को तुम एक क्लोज कर दो तो बीच में ऐसे अलग अलग फिल्म बन जाते, देखा है ऐसा कभी? बट यस सर, वो फिल्म की स्पेशलिटी क्या होती है, इट्स अ टू लेयर्ड फिल्म। ऐसा क्यों होता है उसका तो कोई रीजन नहीं है, बट ऐसा होता है, ये ऑब्जर्वेशन है, उसके 2 लेयर्स होते हैं। बट मुझे बताओ, अच्छा वो जो फिल्म बनता है उसमें और जो एक्चुअल सोप सॉल्यूशन है उसमें कुछ फर्क होता है या सेम दिखता है वो? थोड़ा फर्क होता है ना, वो फिल्म की एक स्पेशलिटी होती है, वो एक बबल जैसा हमें दिखाई देता है जिसमें अलग अलग एंगल पे देखने पर अलग अलग कलर्स भी दिखाई देते हैं ना। सर, यस सर, दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट्स अ टू लेयर फिल्म और बीच में हवा भरा हुआ, और वो अलग अलग कलर्स क्यों दिखाई देते हैं इसके बारे में अपन दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे। वेव ऑप्टिक्स, लाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है, वो सारी चीजें अपन उसमें डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए खाली इतना समझ लो कि ऐसे दो प्लाईवुड रखा हुआ है, वैसे ही ये जो दो फिल्म है उसके बीच में हवा भरा हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं कोई भी एक लेयर ऑब्जर्व करूँ, थ्रेड का कोई भी एक अगर मैं एक एलिमेंट ले लूँ, अभी तुम्हें समझ में आ रहा है? अगर मैं एलिमेंट का लेंथ डीएल मान लू, अंदर वाला तो मैंने पिक कर दिया, अंदर कोई फिल्म नहीं, तो जो बाहर वाला फिल्म है उसके दोनों सरफेस इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, एक एरो ऊपर वाला सरफेस और एक एरो नीचे वाला सरफेस, तो टोटल फोर्स 2 टाइम्स लेंथ डीएल इंटू सरफेस टेंशन, ये हो जाएगा। ये विजुअलाइजेशन हुआ अभी तुम्हें? सर हाँ बताओ। मतलब ये टूल यार ये है, तो उसके जो थ्रेड रखा है वो कहाँ पे रखा है? मतलब थ्रेड, वो देखो ये जो लेयर है ना वो बहुत ही पतले होते हैं, ऐसा नहीं है कि बीच में बहुत बड़ा गैप है, मतलब ऑलमोस्ट उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो माइक्रोमीटर से भी कम होगा, माइक्रो सेंटीमीटर या माइक्रो मिलीमीटर से भी कम होगा, इतना कम डिस्टेंस होता है। तो अगर मैं थ्रेड को प्लेस कर रहा हूँ उस पर, तो थ्रेड का जो लेयर है वो दोनों सरफेस से कॉन्टेक्ट में होगा, ऐसा तो मान के चल सकते। बेसिकली थ्रेड का जो डायमेंशन है, थ्रेड का भी कुछ तो डायामीटर होगा ना, यस सर, कैसा होगा इमेजिन कर सकते हो? थ्रेड का डायामीटर ज्यादा होगा या कम होगा?
उससे ज्यादा होगा ना शायद, उससे ज्यादा होगा, यस वेरी गुड। वैसे तो कम होगा, बोलने के लिए अपन बोलते हैं कि थ्रेड तो बहुत ही छोटा डायमीटर का होता, मगर जो फिल्म के बीच में डिस्टेंस है वो थ्रेड के डायमीटर से भी बहुत ही कम होगा। तो अगर तू थ्रेड को प्लेस कर रहा है तो कहने से दिस थ्रेड इज इन कॉन्टेक्ट विद बोथ द सर्फेसिस, अपने आप से वो दोनों सर्फेस के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएगा। और क्योंकि वो दोनों सर्फेस के साथ कॉन्टेक्ट में है इसलिए दोनों सर्फेस ही उस पर सर्फेस टेंशन की वजह से जो फोर्स होता है वो लगा रहे होंगे। यस सर, क्लैरिटी आई अभी कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? यस सर समझा। तो पूरे चैप्टर में इस चीज का ध्यान रखना, जब भी अपन सोप फिल्म या सोप बबल की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट टू सर्फेसिस, तो हमेशा टू का फैक्टर आने वाला है उसमें। ओके इसको कैसे नोट करोगे अभी, लेट मी गिव यू अ फ्लो। सबसे पहले पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला डायग्राम बना दो, इस डायग्राम में ऐसे डिनोट कर दो दोनों साइड सोप फिल्म, और ये एफ जैसे मैंने बनाया वैसे ही बना दो। उसके बाद प्रिक करने के बाद अंदर वाला डेल्टा एफ कैंसिल कर दो और बाहर वाला ही एफ बचेगा, बाहर वाला एफ बचने के बाद सर्कुलर लूप बना दो, ये ऐसे सर्कुलर लूप में चेंज हो जाएगा। ओके अरे इतना पार्ट नोट करो फिर आगे देखते। हाँ बताओ क्या पूछ रहे, बोलो सर। जो हम लोग के बीच में जो फिल्म बनता है तो वो स्टेबल नहीं रहता। हम लोग के बीच में मतलब तुम्हारी उंगलियों पे जो बनता है उसकी बात कर रहे हो? यस सर। क्योंकि तुम्हारी उंगलियां भी स्टेबल नहीं रहती ना, एकदम स्टिल नहीं रहती, तो उसको तुम थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे या हिलाओगे तो फिर वो बस्ट हो जाएगा। यहाँ पे थ्रेड को तो तुमने जैसा रखा हुआ है वो स्टेबल रहेगा वैसे ही, तो अंदर जो फिल्म बनेगा, सॉरी अंदर नहीं मतलब पूरे बाहर की साइड पे जो फिल्म रहेगा वो स्टेबल रहेगा। ये जो फ्रेम के बीच में फिल्म बन रहा है दिस इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ना, ओरिजिनली ये फ्रेम के अंदर बन रहा था, तो फ्रेम भी स्टिल रहेगा राइट। जैसे बचपन में जो तुम सोप सॉल्यूशन में डिप करके बबल्स उड़ाते थे, इसके अंदर भी जो फिल्म बनता था वो भी स्टेबल रहता था ना, क्योंकि ये फ्रेम स्टेबल। लेकिन अगर फ्रेम को अगर तुम थोड़ा भी हिलाओगे या चेंज करोगे तो बर्स्ट हो जाएगा। ओके ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और अपनी वर्ड्स में शॉर्ट में लिख दो कि इनिशियली दोनों साइड पे फिल्म था तो दोनों साइड से फोर्स लग रहे थे तो नेट फोर्स जीरो था, तो थ्रेड को जैसा रखा है वो वैसे ही रहेगा। उसके बाद अगर तुम अंदर वाला फिल्म बर्स्ट कर दोगे तो अंदर वाले फोर्स गायब हो जाएंगे और नेट फोर्स खाली बाहर की तरफ लग रहे होंगे, एंड ये बाहर की तरफ जो नेट फोर्स लग रहे हैं वो इसके शेप को सर्कुलर बना देंगे राइट। सुजल कुछ डाउट है तुम्हें? तुम साथ में ये भी नोट कर सकते हो कि बाहर वाला जो फिल्म है वो उसके एरिया को बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए वो एक ऐसा शेप एक्वायर करेगा फाइनली जिसका एरिया मैक्सिमम हो विच इज सर्कुलर। ये लिख के हो जाए तो बता देना मुझे, नेक्स्ट पार्ट में तुम्हें बता दूंगा। सर कैन यू शो द फुल स्क्रीन? यस श्योर। Is it okay for everyone? Visible है सब? Yes sir. ये सर्क्यूलर का जो ट्रांजिशन है वो ड्रॉ करने के बाद ये एक्सप्लेनेशन लिख देना कि किसी भी सोप फिल्म के ऐसे दो लेयर होंगे विद एयर इन बिटवीन। पहले ये वाला पार्ट लिख लो, ये वाला पार्ट हो गया लिख के?
हाँ बताओ। सर वी हैव टू राइट दैट द आउटर फिल्म ट्राइज टू इंक्रीज द एरिया ना। हाँ वो पॉइंट भी लिख दो कि आउटर वाला जो फिल्म है वो एरिया बढ़ाने की कोशिश करेगा एंड दैट्स व्हाई इट एक्वायर्स सर्कुलर शेप व्हिच हैज मैक्सिमम एरिया फॉर अ गिवन पेरिमीटर। यस ये एग्जाम्पल ये वाला कॉन्सेप्ट भी लिख लो डबल सरफेस वाला। एंड डबल सरफेस वाला कॉन्सेप्ट लिखने के बाद फोर्स टू टाइम्स एल एस हो जाएगा बिकॉज ऑफ टू सरफेस। ये फॉर्मूला लिख दो सर। कैन यू शो द पेज एक सेकेंड। इज दिस ओके? ये वाला व्यूज ठीक है सबके लिए? एंड नीचे ये एग्जाम्पल भी लिख देना डिफरेंस बिटवीन वॉटर ड्रॉप एंड सोप बबल। देखो ग्रुप पे सोशल ने एक इमेज भी भेजा है, काफी अच्छा इमेज है, उससे भी तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कैसे दो सरफेस बन रहे होंगे किसी भी सूक्ष्म। हो गया ये लिख के? और एक दो मिनट ले लो। डन सर। ओके आगे बढ़े, ये हो गया सब का। ठीक है और एक मिनट ले लो सर। वन सेकेंड। ऑलराइट नो प्रॉब्लम। सबको ये विजुअलाइजेशन समझ में आ गया ना सोप फिल्म का?
ओके चलो एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पे भी मान लो एक ये सोप फिल्म यहाँ पे फॉर्म हुआ है इस फ्रेम के बीच में, उसमें से ये जो तीन साइड्स है वो फिक्स्ड है और ये जो फोर्थ साइड है साइड ए बी ऑफ लेंथ एल ये मूवेबल, तो ये जो सोप फिल्म है मुझे बताओ ये ए बी पे किस तरह फोर्स अप्लाई करेगा, ए बी को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा ना। ए बी का लेंथ अगर मैं एल मान लू और सोप फिल्म का सरफेस टेंशन अगर मैं एस मान लू तो मुझे बता सकते हो ए बी को कितने फोर्स से खींचेगा अपने तरफ? S times L. और कितने सरफेस है सोप फिल्म के? दो, तो 2SL. करेक्ट, सोप फिल्म की अगर बात करें तो ये जो फोर्स इस पे लगा रहा होगा वो 2 times SL हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बस ये डायग्राम बना दो, डायग्राम इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, और सेकेंड एग्जाम्पल में ऐसे डाल दो स्लाइडिंग वायर ऑन यू शेप फ्रेम और स्लाइडिंग वायर पे जो फोर्स लग रहा होगा F वो 2 times SL होगा। जल्दी से ये नोट कर लो। डन डन सर। यस देखो कुछ एग्जांपल्स, सिंपल एग्जांपल चाहिए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सोप फिल्म दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये सोप फिल्म है और उस पे ये स्लाइडिंग वायर है और नीचे एक मास अटैच किया हुआ है और सवाल में दिया है कि ये इक्विलिब्रियम पे ये जो वायर है ये मूव नहीं कर रहा, तो मूव नहीं कर रहा मतलब इस पे जो नीचे एमजी फोर्स लग रहा होगा वो सरफेस टेंशन का फोर्स बैलेंस कर देगा। सरफेस टेंशन का फोर्स मतलब 2SL, तो बस तुम्हें 2SL इक्वल्स टू mg ये इक्वेशन अप्लाई करना और इसको अप्लाई करके तुम m की वैल्यू निकाल सकते हो। s और l गिवन है तो इससे m भी मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके के सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हो, इसको तुम बाद में लिख लेना, थोड़ा जगह छोड़ दो अपने बुक में। देखो एक और विजुअलाइजेशन to prove the concept of surface tension. अपन ने needle वाले example की बात करी थी, तो इसको practically कैसे अपन experiment करेंगे? एक पानी का glass ले लो, take a glass of water and keep a small piece of tissue paper on its surface. उसके surface पे एक tissue paper रख दो और tissue paper के ऊपर एक steel needle रख दो और थोड़ा time wait करो, तो थोड़े time के बाद जो tissue paper है वो पानी से soak हो जाएगा और वो sink हो जाएगा और उसके सिंक होने के बाद जो नीडल है वो फ्लोट करते रहेगा। बेसिकली टिश्यू पेपर का यहाँ पे क्या रोल है, टिश्यू पेपर ये चीज एंश्योर करेगा कि नीडल को अपन बहुत ही स्मूथली रख रहे सरफेस पे। अगर तुम हाथ से रखोगे तो इतना स्मूथली नहीं रख पाओगे, हो सकता है कि तुम सरफेस को प्रिक कर दो नीडल से, तो प्रिक करने पर तो वो सिंक ही कर जाएगा क्योंकि उसका डेंसिटी पानी से ज्यादा होगा। लेकिन इस तरीके से अगर तुम बहुत ही स्मूथली रखोगे एकदम लाइटली तो सरफेस पे वो फ्लोट कर जाएगा। बट यहाँ पे फ्लोटिंग का रीजन बुएंसी तो नहीं हो सकता, डेंसिटी ऑफ स्टील इज 8 times डेट ऑफ वाटर, तो बुएंसी के लॉजिक से तो वो सिंक होना चाहिए बट फिर भी वो फ्लोट कर रहा, तो इसके फ्लोट करने का रीजन क्या होगा? सरफेस टेंशन। द सरफेस ऑफ वाटर इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन और वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाएगा, राइट, जहाँ पे भी स्टील रखा होगा। ये डायग्राम देखो, स्टील का जो नीडल है उसको अगर मैं मैग्नीफाई करके देखूँ तो उसका क्रॉस सेक्शन तो सर्क्यूलर होगा इस तरीके से, और जहां पे भी उसको रखा होगा वहां पे पानी का जो सरफेस है वो थोड़ा सा ऐसे डिप्रेस हो जाएगा, राइट। ये पानी का सरफेस है, तो अभी अगर मान लो मैं ये पूरे पार्ट का एफबीडी बनाऊं, देखो यहाँ पे मैं जो ब्लैक कलर का डॉटेड लाइन बना रहा हूं ये वाला, इसका अगर मैं एफबीडी बनाऊं
तो ये इसको दो पार्ट्स में कट कर रहा है, तुम देख पा रहे हो, इधर इसको इधर भी कट कर रहा है और इधर भी कट कर रहा है। तो जहां पे भी वो कट कर रहा होगा उसके आगे वाला सरफेस उस पर पुलिंग फोर्स लगा रहा होगा इस तरीके से, एफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यस और नो? ऐसे एफ फोर्स लग रहे होंगे दोनों साइड से। और ये कितने लेंथ से कांटेक्ट में होगा वो नीडल के लेंथ पे डिपेंड करेगा। नीडल का लेंथ अगर मैं एल मान लू तो ये जो फोर्सेस है वो स्क्रीन के अंदर बाहर जो एल लेंथ रन हो रहा होगा नीडल का उससे कॉन्टेक्ट में होगा, तो F force किसके इक्वल होगा? F force will be equals to surface tension, which is S into L. यहाँ पे तो सिंगल सरफेस ही है, राइट? और ये दोनों F का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों F का जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट है वो एड अप होंगे और इनके वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो है वो F sin theta होंगे। तो नेट फोर्स वर्टिकली ऊपर कितना आ जाएगा? 2F sin theta। और वर्टिकली ऊपर ये जो 2F sin theta लग रहा है वही निडल के वेट को बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। समझ में आया इक्वेशन सबको? सर हाँ बताओ। थ्रू डायरेक्शन नहीं समझा एफ का। देख यहाँ पे देखो ये व्यू समझ में आ रहा है, ये अपन नीडल का क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं। यस तो जहाँ पे भी सरफेस कट हुआ होगा, देख मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर देता हूँ, ये मान ले नीडल है और नीडल के नीचे पानी का सरफेस, पानी के सरफेस को मैं ब्लू कलर से बना रहा हूँ, है ना? ऐसे पानी का सरफेस डिप्रेस हो गया होगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे गैप दिखाया ये वाले पार्ट में, बट एक्चुअल में गैप नहीं, वो नीडल के साथ कांटेक्ट में रहेगा, राइट? अभी नीडल का जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, नीडल का एफबीडी मैं इस तरीके से बना रहा हूं, मतलब ये पानी जो नीडल के साथ कॉन्टेक्ट में, ये वाला जो पानी है वो नीडल के साथ कॉन्टेक्ट में है ना, तो इसको भी मैं नीडल का ही पार्ट मान लूंगा इसका एफबीडी बनाते समय। तो इसका एफबीडी बनाते समय मैं इसको ऐसे कट करूंगा ना, यहाँ से पानी के बाकी सरफेस से मैं इसको अलग कर दूंगा। फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसे ही करते हैं ना अपन, ऑब्जेक्ट को दूसरे से फ्री कर देते। तो इसमें जो अपन को डायग्राम दिखाई दे रहे हो तो खाली इतना ही पार्ट होगा, इतना ही पार्ट होगा ना? और ये वाला जो पानी मैं जो ग्रीन कलर में मार्क कर रहा हूं, ये वाला पानी इस पानी पे अपने तरफ फोर्स लगाएगा ना, टेंशन फोर्स, इसको अपने तरफ खींचेगा ऐसे सरफेस के अलोंग। इसके सरफेस का जो भी एंगल होगा उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में ये अपनी तरफ खींचेगा। और वैसे ही जो राइट में ये वाला पानी, ये भी अंदर वाले पानी को अपनी तरफ खींचेगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। समझ में आ रहा? और ये एफ फोर्स कैसे निकालेंगे? एफ फोर्स निकालने के लिए सरफेस टेंशन को कॉन्टेक्ट लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉन्टेक्ट लेंथ क्या होगा? जो भी निडल का लेंथ, निडल अंदर बाहर जा रहा होगा ना एल लेंथ, ये विजुलाइज कर पा रहे हो? Yes, sir. और पानी का सरफेस भी पूरा अंदर बाहर जा रहा है 3D में, तो दिस एफ विल बी इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू एल। और इस एंगल को अपन ने टीटा मान ली, ये वाले एंगल को हॉरिजॉन्टल से, तो 2F sin टीटा ये नेट वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा। और अगर टीटा 90 हो गया, टीटा का 90 होना मतलब सरफेस ऐसे जा रहा है पूरा इस तरीके से, तो एफ फोर्स वर्टिकल में लग रहा होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन। ओके यस सर, ये एग्जांपल भी नोट कर लो, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और इक्वेशन लिख दो, mg इक्वल्स टू 2fl sin थीटा, सॉरी 2f sin थीटा वेयर f इज sl। Sir, can you show the heading part? एक मिनट।
लिख के हो गया ये सबका सर? हाँ बता सर, ये जो फोर्स थे वो वाटर वाटर के एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल पे लगाया? यस करेक्ट। और वो वाटर अभी वो निडल का पार्टी हो गया ना, निडल के साथ कांटेक्ट में, तो एक तरीके से उसने निडल निडल पे लगाया होगा, ऐसा भी मान सकते हैं। जैसे एलओएम में, लॉज ऑफ मोशन में, जब किसी पुली से ऐसे थ्रेड पास होता है, स्ट्रिंग को अगर अपन पास करवाते, तो पुली का जब अपन एफवीडी बनाते, तो अपन ऐसे ही मानते हैं ना, ये थ्रेड ने पुली पे ही फोर्स लगाया टेंशन। यस सर। एक्चुअल में उसने थ्रेड पे लगाया, मगर ये थ्रेड भी पुली का ही पार्ट है, तो ये टेंशन पुली पे ही लग रहा होगा, ऐसा अपन मान सकते। तो वैसे यहाँ पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है। ओके सर, तो फिर पिछले एग्जांपल में हम लोग ने देखा ना, वो तो एक ऑब्जेक्ट पे लगाया था ना सर? हाँ, तो जो भी कांटेक्ट में होगा वो उसकी उस पे ही लगाएगा ना। यस सर। अगर ये स्ट्रिंग किसी ब्लॉक से कांटेक्ट में है, तो ब्लॉक पे भी तो स्ट्रिंग अपने तरफ फोर्स लगाएगा। यस सर। समझ आ गया सबको, ये लिख के हो गया। ये इस पे कुछ एक और एग्जांपल है, ये भी तुम बाद में ट्राई कर लेना। इसमें बस एंगल को 90 दे दिया और सेम फॉर्मूला अप्लाई कर जो अपने पहले देखा था। ये वाला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई कर लेना होमवर्क। एक्चुअली इसको तुम स्किप कर सकते हो, इसको करने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये तुमने किया तो काफी है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो, टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड सरफेस टू कॉन्ट्रैक्ट। अब तक इन सारे एग्जांपल्स में अपन यही देखते आ रहे हैं ना, लिक्विड का सरफेस चीजों को अपने तरफ खींच के कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। जैसे अगर तुम किसी रबर शीट की बात करते हो, रबर शीट को अगर तुम स्ट्रेच करोगे तो उसके अंदर भी टेंशन फोर्स डेवलप हो जाएगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली स्ट्रेच सर्फेस ऑफ अ लिक्विड हैज अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट्स व्हाई वो अपने एरिया को हमेशा मिनिमम रखने की कोशिश करेगा, राइट? इट विल ट्राई टू कीप इट्स एरिया मिनिमम। ये कुछ एग्जांपल्स देखो, पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जनरली कैसे शेप में पाए जाते? पानी के ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल शेप के होते हैं, राइट? बिकॉज अगेन फॉर अ गिवन वॉल्यूम, स्फीयर का जो एरिया है वो सबसे कम होगा, राइट? फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज द लीस्ट पॉसिबल एरिया। लार्ज ड्रॉप्स आर नॉट परफेक्टली स्फेरिकल, वैसे वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं होते, उसका रीजन होता है ग्रेविटी, उसका जो वेट नीचे लग रहा होता है उसकी वजह से। लेकिन अगर तुम पानी के ड्रॉप्स को ग्रेविटी फ्री स्पेस में ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली स्फीयरिकल दिखाई देंगे, क्योंकि अपने एरिया को कम से कम रखना चाहेगा और वो स्फीयर के लिए ही होता है। सबने बचपन में पेंटिंग करी होगी ना पेंट ब्रश से, या फिर शेविंग भी जब हम करते हैं शेविंग ब्रश से, तो जब ब्रश को तुम पानी के अंदर डालते हो तो ब्रश जो है वो फैल जाता है, ब्रश के जो ब्रिसल्स है वो ऐसे फैल जाते हैं, स्प्रेड आउट हो जाते हैं, राइट? Yes, और जैसे ही इसको अपन पानी से बाहर निकालते, सबने ऑब्जर्व किया होगा, पानी से बाहर निकल के वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते इस तरीके से, तभी अपन प्रॉपरली पेंट कर पाते। कॉन्ट्रैक्ट होने का रीजन क्या होगा? अगेन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से वो अपने एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करेगा, मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। और फैले हुए ब्रिसल्स का एरिया कम होगा या कॉन्ट्रैक्ट हुए ब्रिसल्स का एरिया कम होगा? किसका एरिया कम होगा? ये वाले ब्रिसल का एरिया कम होगा ना, एरिया इज लेस। पानी के अंदर डिप करने पर मुझे बताओ, ये पानी सरफेस वाला पानी है कि अंदर वाला पानी, किसी डेप्थ में पानी? दिस इज नॉट सरफेस वाटर ना, सरफेस वाटर नहीं है, नॉट अ सरफेस वाटर। और अगर सरफेस वाटर नहीं है तो वहां पे सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसको बाहर निकाला, अभी तो ये एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आ गया, तो अभी इस ब्रश के साथ जो भी पानी के लेयर्स कांटेक्ट में होंगे वो सरफेस वाले पानी होंगे और वो अपने एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। समझ में आई ये दोनों एग्जांपल्स इसी चीज को प्रूव कर रहे हैं कि लिक्विड का कोई भी सरफेस अपने एरिया को कम से कम रखने की कोशिश करेगा, राइट? लिख लो इसको भी, अगेन पूरा पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं, खाली एक एक स्टेटमेंट लिख लो। वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल होते हैं क्योंकि फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर का एरिया सबसे कम होता है, एंड ब्रश के लिए ये दो डायग्राम बना लो।
डन। देखो यहाँ पे सरफेस टेंशन कोई एक्सप्लेन किया हो, इसको अगर अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके समझने की कोशिश करें तो देखो क्या एक्सप्लेनेशन होगा इसको। किसी भी लिक्विड के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और जो भी लिक्विड का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बहुत ही ज्यादा क्लोज होगा तो उस केस में दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। और अगर मॉलिक्यूल्स थोड़े से दूर हो जाए, विच आर स्लाइटली अवे फ्रॉम अ गिवन मॉलिक्यूल, इन दैट केस दे विल अट्रैक्ट। एंड मॉलिक्यूल्स विच आर फार अवे, जो बहुत ही दूर है, बहुत ही दूर मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 to 20 मॉलिक्यूलर डायमीटर्स अवे, उनके बीच में अगर 10-20 मॉलिक्यूल्स आ गए तो उस केस में उन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, नो इंटरेक्शन, राइट। यहाँ पे अगर अपन एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते, सो अ मॉलिक्यूल ए विल इंटरेक्ट विद अदर मॉलिक्यूल्स विच लाई इन इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, और उसका जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस होता है उसका रेडियस 10 to 20 मॉलिक्यूलर डायमीटर के इक्वल होता है, अप्रोक्सीमेटली 20 के बाहर उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अ मॉलिक्यूल इनसाइड द बल्क ऑफ अ लिक्विड, अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर, जैसे एक मान लो मैं कंटेनर ले रहा हूं, कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा हुआ, और लिक्विड के अंदर अगर मैं मॉलिक्यूल लू तो ये मॉलिक्यूल के चारों तरफ दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे ना सब जगह, तो मुझे बताओ ये वाले मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स क्या होगा। इस मॉलिक्यूल पे तो सब जगह से मॉलिक्यूल्स अपने तरफ फोर्स लगा रहे होंगे चारों तरफ से, तो नेट फोर्स इस पे जीरो होगा ना, तो इस पे कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। इसीलिए जो मॉलिक्यूल्स अंदर होते, नॉट अंडर सरफेस बट इनसाइड द लिक्विड, उनपे कोई भी इफेक्ट नहीं आता, उनपे नेट फोर्स वैसे ही जीरो रह जाता है ना। इसको इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको खाली समझ लो ये चीज को। हाउ इज दिस मॉलिक्यूल डिफरेंट फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स ऑन द सर्फेस। अभी देखो जो मॉलिक्यूल सर्फेस पे होंगे उनके साथ क्या होगा, मान लो कुछ मॉलिक्यूल सर्फेस पे, तो सर्फेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनपे तो नेट फोर्स जीरो नहीं होगा ना, उनपे उनके लिए जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है वो इधर लेफ्ट राइट या फिर नीचे, इनके ऊपर फोर्स लगाने वाला कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, राइट। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा, राइट। तो मुझे बताओ जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं वो स्टेबल होंगे या अनस्टेबल होंगे। अनस्टेबल, सरफेस के मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होंगे क्योंकि उनपे एक नेट फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना प्रिफर नहीं करेंगे, राइट। और अगर कोई भी मॉलिक्यूल सरफेस पे रहना प्रिफर नहीं कर रहे तो सरफेस को छोटे से छोटा करने की कोशिश करेंगे, मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अब तक अपन जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस देख रहे थे अलग अलग एग्जांपल्स में, जहाँ पे वो सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा, उसका तुम्हें माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, हाउ सरफेस मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विच आर इनसाइड। एनी डाउट्स? ये कॉन्सेप्ट को लिखने की जरूरत नहीं, इसको बस एक बार रीड कर लेना, ठीक है, बाद में मैं नोट्स में शेयर कर दूंगा। सरफेस एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अपन अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते। एनी क्वेरीज सर? हाँ बता सर। वो सरफेस पे इसलिए सरफेस टेंशन लगता है? हाँ ये एक रीजन बोल सकते हैं, इसके वजह से वो सरफेस टेंशन लग रहा है। बेसिकली सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है वो अनस्टेबल है, तो अपने सरफेस को हमेशा वो छोटा करने की कोशिश करेगा। सरफेस को छोटा करना मतलब वो बाहर की चीजों को अपने तरफ अंदर खींचने की कोशिश करेगा ना, तभी सरफेस छोटा हो पाएगा। ओके सर। हाँ बताओ सर। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे ना उनके बारे में जो आपने बोला ना वो मुझे समझा, बट उसके पहले जो सरफेस के अंदर है वो नहीं समझा। देख सरफेस के अंदर ये सारी चीजें को भूल जाओ, ये बहुत ही वो लोग ने कंफ्यूजिंग वे में लिखा हुआ है। इसको एक सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें एक्सप्लेन करो, जो भी मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर होंगे
उसके आसपास तो और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे ना, वो अकेला नहीं होगा, वो और भी मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा सब जगह से, राइट? Yes, सारे मॉलिक्यूल्स मिलके इस पे नेट फोर्स कितना लगाएंगे? जीरो। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, लेकिन सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे इन पे नेट फोर्स नीचे की तरफ लग रहा होगा, ये समझ में आया? ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स है, राइट? तो मुझे बताओ, अगर मॉलिक्यूल के पास दो ऑप्शन है, सरफेस पे रहने का और अंदर रहने का, वो कहाँ पे रहना प्रिफर करेंगे? कहाँ पे वो स्टेबल सिचुएशन पे रह पाएंगे? स्टेबल स्टेट पे रह पाएंगे? अंदर। मतलब वो सरफेस पे रहना प्रिफर नहीं करेंगे ना, सरफेस पे वो अनस्टेबल होंगे। इसीलिए कोई भी लिक्विड का जो सरफेस है वो अपने सरफेस को कम से कम करने की कोशिश करेगा। तुमने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब तुम पानी को नीचे स्पिल करते हो, मान लो ये तुम्हारा फ्लोर है और इस पे तुम पानी को स्पिल कर रहे, तो पानी को स्पिल करने पर वो अपने आप धीरे धीरे छोटा होने लगता है, उसका सरफेस जो पहले बड़ा था वो अभी छोटा हो जाता है धीरे धीरे। कभी ऑब्जर्व किया? ये नहीं किया तो करके देख सकते हो। फ्लोर पे थोड़ा सा पानी गिरा के देखो, तुम देखोगे कि पहले पानी थोड़ा सा स्प्रेड रहता है, बड़ा रहता है, और धीरे धीरे वो अपने आप अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ सर्फेस टेंशन, क्योंकि वो अपने सर्फेस को छोटा करने की कोशिश कर रहा है। क्यों छोटा करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि सर्फेस पे मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं है, दे आर अनस्टेबल। समझ में आया ये एक्सप्लेनेशन? यस सर। ओके ठीक है, चलो फिर बताओ। सर जैसे हम लोग के कपड़े पे पानी गिर जाता है तो फिर वो एरिया कम हो जाता है धीरे धीरे, वैसा वो बोल सकते हैं? कपड़े पे पानी गिरना मतलब वो तो अलग चीज हो गई ना, वो तो कपड़ा उसको एब्जॉर्ब कर देता है, वो सरफेस वाला पानी नहीं रहता। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि किसी फ्लोर पे पानी गिरा दो, तो वहां पे जो पानी गिरा हुआ है उसका सरफेस एयर से एक्सपोज है ना। यस सर। वो सरफेस वाला ही पानी, तो इसलिए वो अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करेगा। यस सर। ठीक है, और कुछ डाउट है किसी को भी? ओके चलो फिर, बाय एवरीवन, टेक केयर।